गॉड्स ओन कंट्री यानी ईश्वर का अपना देश केरल। खूबसूरती ऐसी कि जो आए यहीं का होकर रह जाए। लेकिन आज केरल मुश्किल में है। मुश्किल ऐसी जो केरल ने बीते 100 सालों में नहीं देखी। मॉनसून शुरू होते ही जिस केरल में सैलानियों की बाढ़ आ जाती थी, उसी केरल में अब चारों तरफ डूबे हुए घर और बिखरे परिवार नजर आ रहे हैं। यूं तो देश में मॉनसून की शुरुआत से ही केरल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी थी, लेकिन 8 अगस्त के बाद से हालात और खराब हो गए। नदियां, नाले सब उफान पर। रातों रात लोगों के घरों में पानी भर गया। लोगों के संभलने से पहले ही लगभग पूरा केरल समंदर में डूबे टापू में तब्दील हो गया। हालात अब भी नहीं संभले हैं। जगह जगह घर डूबे हुए हैं। लोग घरों की छतों से राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं की हालत सबसे ज्यादा खराब है। लोग जैसे तैसे कंधों और नावों पर लोगों को बिठाकर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना, नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर दिन रात काम कर रही है। एनडीआरएफ के मुताबिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही बचाव के बाद अब राहत का काम तेज कर दिया गया है। अब जबकि स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ है ऐसा प्रतीत होता है, तो उसके साथ ही हम जो रेस्क्यू और इवैक्यूएशन वर्क्स है उसके स्थान पर रिलीफ वर्क्स की ओर ज़्यादा ध्यान देने में सफल होंगे। इस तरह के जो चैलेंजेज हैं, जहां पर कि लोगों तक पहुंचना भी कठिन हो रहा है, बहुत स्थान ऐसे भी हैं जहां स्ट्रीम्स बहुत तेज है उनका, तो इस बीच में काम करना, रात के समय में काम करना ऐसे कंडीशन में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जगह पर काफ़ी लंबे समय तक भारी बरसात होती रही पूरे स्टेट में, उसके साथ ही डैम से पानी छोड़ा जाना, नदियों में तेज बहाव और लबालब पानी भरा होना। राज्य भर में 7 लाख से ज्यादा लोग फिलहाल राहत शिविरों में पहुंचाए गए हैं, लेकिन अब भी हजारों लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। इडुक्की जिले में जानमाल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि मलप्पुरम में भी काफी नुकसान की खबर है। आलप्पुझा, त्रिशूर और एर्णाकुलम जिलों में तो लोग दाने दाने को मोहताज हैं। इधर भारतीय वायुसेना भी दूर दराज के इलाकों में मदद पहुंचाने को स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ के साथ मिलकर काम कर रही है। We have deployed in the initial stage itself, there are 9 medium lift helicopters, 7 ALHS and 6 Chetaks. That is 22 helicopters. Okay. Rescue. More have come in. More have come in. They are sitting in Sulur and some are sitting in Bangalore. Kitrena kuda veru sir. Allam kuda total will be around 31. It's only around 31. Okay, and if required, more will also come. They are all ready all over the country, and they are all coming from where? They are coming from Falodi, Rajasthan. They are coming from Central Air Command, Allahabad. Things have been pulled out from Jagdalpur, so from there all that, and from Yelahanka, and also Southern Air Command resources. So first priority is rescue. Those who are under stress, under difficulty. After that starts relief. It was so difficult because communications ran out, electricity was non-existent, but naturally with our satellite phones we made sure there were connectivity by our, there was no access, bridges had gone away, so my boys built bridges. It was a challenge. You should see some of these photographs of the bridges which have been made, especially in Coorg. These are just by the innovation of my boys. They have used these palm trees and then made them strong enough to take 40, 30, 50 people. इस बीच कई जगहों से घरों और इमारतों के धंसने की खबर आ रही है, जिससे नुकसान की आशंका बढ़ती जा रही है। बाढ़ के चलते कोची हवाई अड्डे पर परिचालन 26 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। रेलवे ने भी कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं और कई के रूट बदल दिए हैं, जबकि जगह जगह सड़कें टूटने से सड़क यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। बाढ़ के कारण खेती और पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं।
हालांकि राहत की खबर ये है कि कोची के नेवल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन सोमवार से शुरू हो गया है। वेल्लम वैद्युति भक्षण इतना उपरतेंट प्रधान शुद्धजल लभ्यमक अब मलिक जलस्रोतस पूर्ण शुद्धीव अब ई वोड़े आरंभ के यूं तो केरल में हुए नुकसान का आकलन फिलहाल हर स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन मीडिया में आई अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो गई हैं, 1,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जबकि हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर केरल बाढ़ में अब तक 21,000 करोड़ के नुकसान का आकलन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।